नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं इस वक्त की खास खबरों का। लखनऊ में सीएम योगी ने एयर एशिया की उड़ान का उद्घाटन किया है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली, गोवा और बेंगलुरु के लिए एयर एशिया से सीधी फ्लाइटें मिल सकेंगी। इसके साथ ही यूपी में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, डॉक्टर जनरल डॉक्टर वी के सिंह जी, भारत सरकार के सभी अधिकारियों को और प्रदेश सरकार के नागरिक उड्डयन विभाग समेत एयर एशिया के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए प्रदेश शासन की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रदेश की राजधानी को बेहतरीन वायु सेवा के साथ जोड़ने के लिए जो सकारात्मक रुख अपनाया है, वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के उड़ान योजना को शुभारंभ करते समय जो एक उन्होंने संकल्प दिया था, एक आम नागरिक भी यानी हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई दिल्ली में कांग्रेस ने आज देश भर में महंगाई और बेरोजगारी के विरोध में प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं। महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि हर दिन लोकतंत्र की हत्या हो रही है। देश में 4 लोगों की तानाशाही चल रही है। ईडी से डराने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल की पीसी के बाद बीजेपी नेता रवि शंकर प्रसाद ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। कांग्रेस पार्टी पर जमकर उन्होंने हमला बोला। वाराणसी में सीएम योगी ने मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल सारनाथ और फुलवरिया 4 लेन के निर्माण की प्रगति का स्थलीयकरण निरीक्षण किया। इसके साथ ही मंडलायुक्त ने प्रोजेक्ट के जरिए निर्माणाधीन फुलवरिया लाहार तारावर ब्रिज का प्रेजेंटेशन दिया, जिसके बाद सीएम ने पीडब्ल्यूडी व सेतु निगम के अधिकारियों को दिसंबर तक फुलवरिया 4 लेन का काम को गुणवत्ता के साथ समय के अंदर पूरा करने किए जाने के आदेश दिए। और यह केरवा कटरा क्षेत्र में पंचायत सदस्य के उपचुनाव की मतगणना ब्लॉक सभागार में हो रही है। इस मौके पर प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहां मौजूद सभी प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और इसके साथ ही वहां पर मौजूद कार्यकर्ता भी जीत का जश्न मनाने को तैयार है। गाजीपुर दौरे पर पहुंचे ओम प्रकाश राजभर ने सपा सुप्रीमो पर आरोप लगाते हुए कहा कि अखिलेश यादव का इनडायरेक्ट समर्थन भाजपा को है। आगे उन्होंने कहा कि सपा के एमएलसी प्रत्याशी का पर्चा उम्र कम होने के कारण खारिज कर दिया गया, जबकि अखिलेश यादव जो कि 5 साल यूपी के मुख्यमंत्री थे, उनको इतनी भी जानकारी नहीं हो पाई एमएलसी के प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए। 25 करोड़ आबादी है और पद यात्रा करना अलग बात है। सूबे के मुख्यमंत्री 5 साल थे, एमएलसी का अभी अभी पर्चा भरा गया और डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। 5 साल मुख्यमंत्री थे और इतनी जानकारी नहीं हो पाई कि एमएलसी के प्रत्याशी की उम्र कितनी होनी चाहिए। और यह जनपद में पहले के अपेक्षा स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो गई हैं। वहीं एक समय था कि जब औरैया जिले के लोगों को अच्छे इलाज और जांच के लिए कानपुर नगर या सफाई की ओर भागना पड़ता था, वहीं अब स्वास्थ्य सेवाओं में बेहतर और आधुनिक मशीनों के चलते अब लोगों को जनपद में ही सभी प्रकार की जाँच और इलाज उपलब्ध है।
ये बिल्कुल सही है कि जनपद में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है स्वास्थ्य सेवाओं में, इसके क्रम में कि हमारे जो एम्बुलेंसेस हैं हमारी 1900 एम्बुलेंसेस चल रही हैं, 116 ALS 4 एम्बुलेंस हैं, इसके अतिरिक्त MMU चलती है, मेडिकल मोबाइल यूनिट, जो कि दूरस्थ क्षेत्र हैं वहाँ पे मरीजों का उपचार करती है, जाके कुछ जांचें भी करते हैं। पहले काम में आप आए हैं, यहाँ पर इलाज कैसा होता है? तो पहली बार आए हैं। कैसी व्यवस्था लगी आपको यहाँ पर? यहाँ पर जो इलाज करने वाले डॉक्टर हैं, जो जांचें हो रही हैं, उन डॉक्टर आप सबसे संतुष्ट हैं? डॉक्टर इलाज देख रहे हैं यहाँ पर, संतुष्ट हैं आप? आप सरकारी अस्पताल में आए हैं, यहाँ पर कैसी स्वास्थ्य व्यवस्था है? मैं जो पहली बार आया हूँ, आया सही है। सही है, यहाँ पर जो जांच व्यवस्था होती है, आप जाते हैं, वो कैसी व्यवस्था? सही है, सही है। गाजियाबाद की मसूरी थाना क्षेत्र के एक शख्स को मसूरी थाने का वीडियो बनाना महंगा पड़ गया। जानकारी के मुताबिक युवक ने थाने का वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड किया था, जिसके बाद पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए युवक को गिरफ्तार किया और जेल भेज दिया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति थाना मसूरी के सामने एक इंस्टाग्राम की रील बनाता हुआ दिख रहा है, जिसमें अपने आप को गैंगस्टर वगैरह बनाते हुए बता रहा है। इस व्यक्ति को ट्रेस कर लिया गया है, जिसका नाम आकाश पंडित है और ये थाना मसूरी के ही पिछला गांव का रहने वाला है। इसको पुलिस हिरासत में ले लिया गया है और आवश्यक विधानी कार्रवाई की जा रही है। बदायूं की तहसील बिलसी के रायपुर गांव में बीती रात एक बेकाबू ट्रक में घुस गया, जिसके घर पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गया। घर के मालिक ने ट्रक चालक पर जानबूझकर ट्रक घुसाने का आरोप लगाया है और जिला प्रशासन ने ट्रक ड्राइवर पर कार्रवाई करते हुए मुआवजे की मांग की है। हरदोई में सपा कार्यालय में साफ सफाई का काम करने वाली महिला ने सपा जिलाध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि जिलाध्यक्ष उस पर गंदी नीयत रखते थे और अपने घर में काम कराना चाहते थे। जिलाध्यक्ष की गंदी नीयत के चलते महिला ने जब काम करने से इनकार किया तो उसे कार्यालय से नौकरी से निकाल दिया गया। उत्पीड़न के खिलाफ महिला ने लखनऊ जाकर डिम्पल यादव और पुलिस से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सारे आरोप झूठे हैं, उनको नौकरी से हटा दिया गया। उनको नौकरी से हटाने के बाद इस तरह के बातें सामने आई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता इस चीज़ से वाकिफ़ हैं। नौकरी पर रखना और हटाना, ये हर ऑफिस में, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो चाहे प्राइवेट ऑफिसेज हों, कर्मचारी को रखने हटाने का उनका अधिकार होता है और समय अनुसार कर्मचारी बदले जाते हैं, ये कोई नई बात है। हमारा अंदर सामान बंद है। कहाँ अंदर? सफा कार्यालय में, यहाँ हम ड्यूटी करते थे चौकीदार, तो इसने हमें गाली दी, तब हमने ऊपर लगे के पुलिस केसन दे डिम्पल भाभी का, हमारी वहाँ कोई सुनवाई नहीं भाई। हम लखनऊ से आ ही नहीं पाए, ताला डाल दो, हमारा सामान सब बंद, हम बाहर पड़े हुए। हरदोई के शहर कोतवाली क्षेत्र में मां बेटी ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। दरअसल महिला का पति शरीर से लाचार है, जिसका फायदा उठाते हुए देवर ने उसकी बेटी और खुद महिला के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। इसके अलावा महिला और उसकी बेटी को प्रेस से जलाने की भी कोशिश की, जिससे परेशान होकर महिला ने प्रशासन से मदद की मांग की है। बलिया के महाराजपुर के अधेड़ की चाकू मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच में जुटी है। वहीं पर अपर पुलिस अधीक्षक ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही है। महाराजपुर गांव से सूचना सुबह प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति, जिनकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास है,
उनकी किसी ने चाकू मार करके हत्या कर दी है। मौके पर हम लोग आ गए हैं, जांच कर रहे हैं, छानबीन चल रही, पुलिस टीमें मौजूद हैं यहाँ पे। घटना के संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है, अभियोग पंजीकृत करके जो भी उचित कार्रवाई है इसमें और जो घटना किया है उसके संबंध में जल्द से जल्द जानकारी प्राप्त करके उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। मृतक को कहाँ लगी है चोट? गले के पास चोट लगी है। तो गले पे कैसे चोट लगी? गले पे चोट लगी हुई। अब तक की खास खबरों में इतना ही, देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।